रसिया में दिव्यांग स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी शामिल हुए। वीडी शर्मा ने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे तो कुल मिलाकर 97 सहायक उपकरण भी दिए गए। दिव्यांगों को नए दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक विष्णु खत्री भी मौजूद रहे। किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, कहीं का भी भाई और बहन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जरूरतमंद के साथ खड़ा होना, बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। मध्य प्रदेश की जनता को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पर्व पर भी सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं। आज मुझे बड़ा इस बात का गर्व है कि हमारे जनप्रतिनिधि और खासतौर पर आज मैं बैरसिया के अंदर इस विधानसभा में हमारे विधायक भाई विष्णु खत्री जी के द्वारा आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और दिव्यांग भाई बहनों को ट्राई साइकिल वितरण और अलग अलग प्रकार के दिव्यांगों के अंग वितरण का जो कार्यक्रम किया है, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। नर सेवा नारायण सेवा, ये चरितार्थ करने वाला कार्यक्रम है। इसलिए आज मैं उन सब भाई और बहनों को भी बधाई देता हूँ और इस बात के लिए हमारे विधायक और पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी कहाँ से आई आप? नजीराबाद से। तो आपको आज साइकिल मिल रही है जी? पहले थी क्या आपके पास साइकिल? नहीं, पहले तीन पहियों की साइकिल थी। तो ये विधायक जी ने आपको दे रहे हैं जी? कैसा लग रहा है? आप साइकिल मिल रही है? अच्छा लग रहा है। तो ये क्या आप, ये तो बैटरी वाली साइकिल है जी? अच्छा, तो इसमें ना तो वो पेडल भी नहीं है, बैटरी से चलेगी जी? अच्छा, तो आप कुछ कहेंगे? आपको साइकिल मिल रही है आज? नहीं, हम विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें गाड़ी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमें नई जिंदगी मिल रही है। कौन सी पंचायत को? ग्राम पंचायत। तो आज साइकिल आपको वितरण हो रही है, बैटरी वाली, कौन करा रहा है ये? तो आप कुछ कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।